नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके टेक्नोलॉजी 30 चैनल में। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं साउथ रेलवे में, दक्षिण रेलवे में आईटीआई वालों के लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी निकल कर आई है। टोटल 3585 वैकेंसी है। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है और पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन भी जानेंगे और पूरा कंप्लीट फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको साउथ रेलवे के वेबसाइट पर आ जाना है और वहां पर जाकर अप्रेंटिस सेक्शन में चले जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे तो यहां पर जब आएंगे तो ये आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको नीचे जो है सेकेंड नंबर पर ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर कंबाइंड नोटिफिकेशन फॉर एक्ट अप्रेंटिस इन साउथ रेलवे। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक हियर फॉर डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी लास्ट डेट सबसे पहले शो हो रही 31/12/2019 शाम 5 बजे इसकी लास्ट डेट है। तो इसके पहले ही आपको अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं साउथ रेलवे रिक्वायरमेंट RRC चेन्नई जो है यहाँ पर अप्रेंटिस की वैकेंसी निकल कर आए। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अप्रेंटिस यहाँ 3 डिवीजन में बटा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन है कैरिज वर्क के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और यहीं पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर सेंट्रल वर्कशॉप में आप वर्क करना चाहते हो तो उसका नोटिफिकेशन ये है, गोल्डन रॉक में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप जो है अगर सिग्नल एंड टेलीकॉम वर्क करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक नोटिफिकेशन मैं दिखा देता हूँ और बाकी तीनों में लगभग सेम प्रोसेस है। तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। चलिए मैं नोटिफिकेशन एक दिखा देता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों मैंने एक नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन कर दिया। यहाँ पर सबसे पहले देख लेता हूँ डेट कब की नोटिस निकल के 28/11/2019 की नोटिफिकेशन है और अप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा 1/12/2019 मतलब 1 दिसंबर से और इसकी लास्ट डेट होगी 31/12/2019 शाम 5 बजे। इसके पहले आपको अप्लाई कर लेना है। यहाँ अप्रेंटिस की वैकेंसी है, यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी डिवाइड की गई। दोस्तों सबसे पहले बता दूँ यहाँ अप्रेंटिस दो डे, यहाँ पर फ्रेशर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर का मतलब जो जिन्होंने 10+2 किया है, 12th किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जिन्होंने ITI किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों लोगों के लिए हम पर वैकेंसी दी गई। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ फ्रेशर कैटेगरी के लिए वैकेंसी देख सकते हैं आपके सामने दी गई है। फीटर वेल्डर पेंटर के लिए कुल मिलाकर यहाँ पर 80 वैकेंसी दी गई है। चलिए हम नीचे आते हैं, इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग डिवाइडेड है, आप अच्छी तरह से वैकेंसी देख सकते हैं। अब ITI कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ITI कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पर अलग अलग ट्रेड के लिए यहाँ वैकेंसी डिवाइड है। टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सभी ट्रेडों के लिए लगभग वैकेंसी अवेलेबल है, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर चले जाते हैं नीचे तो देख सकते हैं टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रेशर और यहाँ पर 12th और ITI की टोटल बात कर लेते हैं, टोटल मिलाकर 1208 पोस्टें यहाँ पर ईस्ट डिवीजन में है। इसके अलावा 2 डिवीजन और है, वहाँ पे आप उसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार से अब चलिए हम आपको अप्लाई करके दिखाते हैं जो है कैसे आपको अप्लाई करना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नोटिफिकेशन आप अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आने के लिए फिर से आपको इसी पेज पर चले आना है और यहाँ पर नीचे जो आप आएंगे जो नोटिफिकेशन के अलावा 2 ऑप्शन आपको और दिख जाएंगे, एक रजिस्टर है एक लॉगिन है। तो आपको सिंपली यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको यूनिट चूज करना होगा, किस यूनिट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूनिट की आ जाएगी। चलिए दिखा देता हूँ मैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर 3 यूनिट आएगा। फिर से दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर 3 यूनिट आपके सामने आएंगी। सबसे पहले सेंट्रल वर्कशॉप गोल्डन रॉक, कैरियज वर्कशॉप और सिग्नल टेलीकॉम वर्कशॉप। तो इसमें से जिससे मैं आप अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, आप तीनों में से जिसमें चाहे अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आपके सामने फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिस डिवीजन में अप्लाई करेंगे उसका आ जाएगा। इसके बाद अप्लाइंग एज, किस प्रकार आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 ऑप्शन आपको मिल जाएगा, एक फ्रेशर और एक ITI। तो आप इनमें से दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अगर ITI किए तो ITI, फ्रेशर है तो फ्रेशर। तो चलिए मैं यहाँ पर ITI चूज कर लेता हूँ। ITI जैसे चूज करेंगे आपके सामने तीसरा ऑप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पर डिवीजन सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं 3 डिवीजन दिया है, सेंट्रल वर्कशॉप और तिरुपल्ली डिवीजन और यहाँ
मदुराई डिवीज़न, आप चाहे जिस डिवीज़न में अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये दूसरा वाला तिरुपल्ली डिवीज़न में अप्लाई करता हूँ। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ट्रेड सेलेक्ट करना है, आप कौन से ट्रेड से आईटीआई की हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कितनी ट्रेड है। फीटर, कारपेंटर, वेल्डर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, पासा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, एमएलटी, रेडियोग्राफी, एमएलटी, पैथोलॉजी, इस प्रकार ट्रेड हैं। तो यहाँ पर फीटर के लिए मैं अप्लाई करता हूँ, और इसके अलावा अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसी यहाँ पर ये इतनी दिखाई गई है। चलिए यहाँ फीटर में चूज कर लेता हूँ। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी टेबल आपके सामने होगी, आप फिर से वैकेंसी टेबल देख सकते हैं। सभी ट्रेड वाइज वैकेंसी दी गई, फीटर के लिए यहाँ पर 61 है, कारपेंटर के लिए 5 है, वेल्डर के लिए 16, इस प्रकार दी गई है। तो चलिए यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर प्रोसीड फॉर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। चलिए प्रोसीड फॉर नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आपसे फिर फाइनल पूछा जाएगा कि आप जो है फाइनल कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर देख सकते हैं सारा डिटेल देखकर ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फार्म ओपन हो जाएगा जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप फिलअप कर लेना है। चलिए दिखा देता हूँ मैं, इस प्रकार का फार्म ओपन हो गया। तो दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई गई, जो जो आपने अभी फिलअप किया वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई गई, किस कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, आईटीआई हैं, तिरुपल्ली डिवीज़न से यहाँ ब्रांच आपकी, और यहाँ पर अप्लीकेशन की डेट 1/12/2019 से हो रही है। लेकिन दोस्तों अप्लीकेशन एक्टिवेट हो चुका है, आज ही से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें डेट 1/12/2019 दिखाई दे गई, तो आप कल ही से अप्लाई करें तो अच्छा है। मैं आज ही आपको बता देता हूँ, लेकिन आप कल से अप्लाई करिए, 1 दिसंबर से अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। इसकी लास्ट डेट है 31/12/2019 5 बजे तक। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर दिखाएगा टोटल 6 स्टेप में आपका फॉर्म अप्लाई करना है। तो चलिए एक एक करके मैं दिखा दूंगा। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, आपको इंस्ट्रक्शन रीड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो है टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ जो है क्लिक हियर टू व्यू अप्लीकेशन फार्म पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फार्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा बता दूँ आपको, यहाँ पर अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 100 रुपये की फीस पेमेंट भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा एससी एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट या वोमेन कैंडिडेट है तो कोई फीस नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर फिर आपको टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कर देना है और प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फार्म पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपका फॉर्म कितने स्टेप में दिखाएगा। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल देना है, एड्रेस, उसके बाद एजुकेशनल डिटेल, फिर आइडेंटिफिकेशन एंड एडिशनल डिटेल। इतना डिटेल देने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके मैं आपको फिलअप दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल, तो चलिए यहाँ पर्सनल डिटेल आप इंटर कर लीजिए। यहाँ पर पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको अपना फुल नेम इंटर करना है, जो कि हाई स्कूल के मार्कशीट से आपका होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं हाई स्कूल के सर्टिफिकेट से आपका फुल नेम होना चाहिए। इसके बाद फादर्स नेम और आपकी नेशनलिटी इंडियन है या जो भी सेलेक्ट कर लें, यहाँ पर इंडियन ही अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा इंटर रिलीजियन, जो भी आपका धर्म हो रिलीजियन है, यहाँ पर इंटर कर लेना है। इसके बाद आप जेंडर कौन सा है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैरिटियल स्टेटस क्या है, मैरिड है कि अनमैरिड है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। इसके बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब है आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आप चूज कर लें। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी तीनों में से कोई चूज करते हैं तो आपका अपने कम्युनिटी सर्टिफिकेट मतलब कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल भी देना होगा दोस्तों। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, और इसके अलावा इशू डेट, कब का इशू हुआ है, कब का जो है जारी किया गया उसका डेट, और यहाँ पर जो है कौन कहाँ पर जारी किया गया, किस स्टेट में या किस जगह पे, यहाँ उसका नाम, और कौन जारी किया, तहसीलदार, डीएम, एसडीएम, कौन जारी किया है उसका नाम यहाँ पर इंटर कर देना है सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। अगर आप जनरल पर सेलेक्ट करते हैं तो आपको कोई ऑप्शन फिलअप नहीं करना होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सर्टिफिकेट आप 2018 से पुराना हो चाहिए, 2019 का ऑप्शन इसमें नहीं दोस्तों। यहाँ पर आपको अपनी एक पर्सनल मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी इंटर कर देनी है। इतना पर्सनल डिटेल में इंटर करने के बाद सिंपली आपको नीचे यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो चुका, अब आपको एड्रेस डिटेल देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फुल डिटेल का एड्रेस इंटर कर लेना है। इसके बाद आपको स्टेट चॉइस कर लेना। चलिए यहाँ पर डिटेल मैं इंटर करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एड्रेस इंटर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत लोग इसके लिए कमेंट करेंगे, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, केवल कुछ ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। दिखा देता हूँ कौन कौन सी स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं इस फार्म को। तो यहाँ पर सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार के आइसलैंड वाले अप्लाई कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल
और इसके अलावा यहाँ पर लक्षद्वीप, पांडुचेरी एंड तमिलनाडु, केवल इन्हीं स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बाकी स्टेट के कैंडिडेट के लिए फार्म नहीं है। मैं सिंपली बता देता हूँ दोस्तों, आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है और जो है केवल इन्हीं कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, आपको अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, पिन कोड और अपना आधार नंबर इंटर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड कर देनी है। देख सकते हैं यहाँ फोटो का क्राइटेरिया दिखाया गया, ये फोटो ऐसा ये सही है और बाकी ये सब फोटो अमान्य है। देख सकते हैं इस प्रकार का फोटो है, तो यहाँ पर चूज करेंगे तो फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद फोटो का क्राइटेरिया मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं फोटो जो होगा आपका, उसकी साइज जो 3x5 cm x 4x4.5 cm होगी। इसके अलावा जो है सो फोटो की अच्छी क्वालिटी, फोटो हमारा JPG या PNG दोनों में चल सकता है और फोटो का साइज 75 KB से कम होना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार फोटो आप अपलोड करके प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए, प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब इसके बाद जो है आपका ये एड्रेस डिटेल फिलअप हो गया, अब एजुकेशनल डिटेल आपको फिलअप करनी है। तो चलिए यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल फिलअप करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एजुकेशनल डिटेल में देख सकते हैं, सबसे पहले मैट्रिक यानी कि 10th की डिटेल देनी है, तो यहाँ पर हाई स्कूल की डिटेल देनी है। तो सबसे पहले आपको अपने स्कूल का नेम या इंस्टीट्यूट का नेम, कॉलेज का नेम यहाँ पर इंटर कर देना है, जो भी आपके हाई स्कूल के कॉलेज का नेम रहा होगा, स्कूल का नेम रहा होगा। इसके बाद ना उस जो भी बोर्ड रहा होगा, या यूनिवर्सिटी बोर्ड कौन सा है, आपका कर्नाटका बोर्ड है या जो CBSE बोर्ड है, जो भी बोर्ड है यहाँ पर इंटर कर ले। इसके बाद आपको स्टेट चूज कर लेना है, कौन से स्टेट से आपने पढ़ाई की है। दोस्तों मैंने बता दिया कौन कौन स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, केवल वही स्टेट यहाँ ही एलिजिबल हैं। इसके अलावा किस ईयर में अप्लाई किए हैं यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। इसके बाद सर्टिफिकेट या रोल नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। सर्टिफिकेट रोल नंबर में से कोई भी इंटर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर परसेंटेज या ग्रेड है, तो ग्रेड दोनों में से परसेंटेज या ग्रेड में से कुछ भी इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर फाइनल परसेंटेज यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आपने ITI कर रखा है, यहाँ पर ITI सेलेक्ट के लिए, तो इस टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपके आपसे NCVT देख सकते हैं, NCVT से केवल मान्य होगा, उसका डिटेल इंटर करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेड पास, कौन से ट्रेड से आपने पास किया है, यहाँ पर उसका पहले से नाम फिलअप है, कौन सा स्कूल है, यहाँ पर जो भी आपका स्कूल का नेम है इंटर कर ले। इसके बाद बोर्ड कौन सा है, NCVT या SCVT, तो NCVT है तो NCVT यहाँ पर इंटर कर लीजिए। इसके बाद कौन से स्टेट से आप किए हैं, स्टेट चूज कर लीजिए, ईयर आप पासिंग कौन से ईयर में पास किए हैं। इसके बाद उसका सर्टिफिकेट या रोल नंबर इंटर कर लेना है, ऑप्टेन मार्क कितना आपने मार्क ऑप्टेन किया और टोटल मार्क यहाँ पर इंटर कर लेना है। परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा और प्रोसीड फॉर नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए, प्रोसीड फॉर नेक्स्ट पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हैं इस प्रकार का आपका एजुकेशनल डिटेल भी फिलअप हो गया। आप लास्ट स्टेप पर आ गए, आइडेंटिफिकेशन एंड एडिशनल डिटेल। तो इसमें सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लेनी है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी आपका है यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दो आइडेंटिफिकेशन मार्क देने हैं, दो जो है विजुअली आइडेंटिफिकेशन मार्क देने हैं, जैसे कोई तिल का निशान या कट ऑफ मार्क देने हैं, जो भी है कट ऑफ मार्क दो दे दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अगर डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो यस करें, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर इंटर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दो आइडेंटिफिकेशन मार्क दे दिए, इसके बाद यहाँ पर नो पर कर दिया। इसके बाद आपको प्रोसीड फॉर प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिर से एक बार आपको फाइनल चेक करने के लिए आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का शो हो जाएगा, आपकी सारी डिटेल्स होगी, कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं, आपका पर्सनल डिटेल्स आ रहा है यहाँ पर, आपका सर्टिफिकेट डिटेल और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और सारा पर्सनल डिटेल, सारा डिटेल आपका जो जो अभी आपने फिलअप किया यहाँ पर शो हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है अगर सारा सब ओके है तो यहाँ डिक्लेरेशन पर आपको टिक मार्क कर देना है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कैप्चा इंटर, ये कैप्चा जो शो हो रहा है इसको यहाँ पर इंटर करके आपको क्लिक हियर फॉर वन टाइम पासवर्ड पर क्लिक करना है। अगर कुछ करेक्शन करना है तो आप करेक्ट मॉडिफाइड डिटेल पर जाकर बैक जाकर करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर कैप्चा इंटर कर लिया, देख सकते हैं। इसके बाद हम क्लिक हियर फॉर वन टाइम पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा एक बार फिर से आप कंफर्म है, क्योंकि इसके बाद जो है आप करेक्शन नहीं कर सकते, तो आपको यस पे क्लिक करना है। फिर से आपको कन्फर्म करने के लिए आएगा तो आपको यस पर फिर क्लिक करना है। अब आपको वेट करना है और आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक OTP भेजा जाएगा। देख सकते हैं वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपने दिया तो वो वन टाइम पासवर्ड आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो चलिए, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाएगा। अब OTP आपको इंटर कर लेना है। इसके बाद चलिए मैं दिखाता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने वन टाइम पासवर्ड ओटीपी इंटर कर लिया। अब इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट वन टाइम पासवर्ड पर क्लिक करना है ओटीपी अपना इंटर करने के बाद, इसके बाद वेट करना है। इसके बाद देख सकते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ट्रांजेक्शन आईडी दे दी जाएगी और यहाँ से आप चाहें तो क्लिक हियर टू प्रिंट आप एक्नॉलेजमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा बता दूँ, अगर आप ओबीसी या जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपये की फीस पेमेंट करनी थी, तो अब इसके बाद आप फीस पेमेंट पर चले जाएंगे और 100 रुपये का फीस पेमेंट करने के बाद ये पेज आपके सामने फिर से ओपन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ क्लिक हियर टू प्रिंट पर क्लिक करते हैं और आपका एप्लीकेशन फार्म जो है ओपन हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा और आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन चला जाएगा कि आपका एप्लीकेशन फार्म सक्सेस हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर फार्म आपका प्रिंट होने लगेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन सक्सेस हो गया और सारा डिटेल आपका शो हो गया, यहाँ फोटो शो हो गया। तो इस प्रकार आपका एप्लीकेशन फार्म सबमिट हो गया आसानी से। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों फिर से मैं बताना चाहता हूँ, केवल जो है जो मैंने स्टेट बताया वही स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, बाकी ऑल इंडिया अप्लाई नहीं कर सकते, ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए अगर आपका बीच में कहीं पेज एरर हो जाता तो मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको लॉग इन करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको ट्रांजेक्शन आई डी आपकी शो हो रही है, ये ट्रांजेक्शन आई डी है। में कहीं पेज इरर हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप यहां से दो होम पेज पर आएंगे तो यहां लॉगिन का ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से लॉगिन कर सकते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां आपको लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। यहां आप ट्रांजेक्शन आईडी डेट ऑफ बर्थ की सहायता से लॉगिन कर सकते हैं या अपना मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ की सहायता से लॉगिन करके आप अपना पे प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं या फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।